सो जयेंद्र एवं, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बहुत जल्द फ्रांस अपने राफेल जेट्स को अपने खुद के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करने वाला है, और जो फ्रांस का 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके पास कौन कौन से हथियार होंगे और वो एयरक्राफ्ट कैसा है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल आपको पता होगा कि डसाल्ट एविएशन इस समय फ्रांस के लिए राफेल जेट्स को बनाती है, और फ्रांस ने पूरे यूरोपियन देशों से अलग हट के अपने लिए खुद की ये डिज़ाइन तैयार की है। लेकिन अब फ्रांस अमेरिका के जो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम है उसको टक्कर देने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नया फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, जिसको उसने नाम दिया है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। आपको बता दें कि यहाँ पे फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, यानी जिसको एफ कैश के नाम से जाना जाता है, ये बहुत जल्द राफेल को रिप्लेस करने वाला है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। दरअसल ये जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है इसकी डिज़ाइन फ्रांस ने तैयार की है, जबकि इसमें एयरबस के साथ कोलैबोरेशन भी किया गया है, और अनुमानित ये है कि इसकी जो पहली फ्लाइट है 2026 तक आयोजित कर ली जाएगी। अब यहाँ पर फ्रांस एक गलती नहीं कर रहा है जो उसने राफेल के साथ की थी। दरअसल फ्रांस का प्लान ये है कि इस एयरक्राफ्ट को अकेले डेवलप ना करके यूरोपियन कंट्रीज़ की सहायता ली जाए और उनको मौका दिया जाए। इसीलिए जो एफ कैश प्रोग्राम है ये यूरोपियन नेशंस को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि वो कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने के बजाय फ्रांस के साथ मिलकर के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करें। फ्रांस का ये मानना है कि आने वाले समय में, यानी आने वाले एक दशक में, अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 भी उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाएंगे, तो ऐसे में एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करना कोई समझदारी नहीं है। और इसीलिए फ्रांस ये चाहता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अपने 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को किसी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करें, और फ्रांस का यह भी मानना है कि उनका एफ कैश प्रोग्राम उनको काफ़ी अच्छा ऑफर दे सकता है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि अधिकतर जो यूरोपियन देश हैं, अगर खुद के बनाए एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो 4++ जनरेशन के एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हैं, फिर चाहे स्वीडन का वो ग्रिपेन हो, या डसाल्ट का राफेल हो, या फिर यूरोफाइटर टाइफून हो। यूरोपियन यूनियन ने जितने भी अभी एयरक्राफ्ट बनाए हैं वो अधिकतर 4th जनरेशन के हैं, और इस समय एक उन्नत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की जो कवायद है वो वहाँ पर शुरू हो चुकी है। लेकिन फ्रांस ये कहता है कि अब 5th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है, यानी जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो भी समय के साथ पुराने हो रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी उनमें यूज़ हुई है वो आने वाले समय में थोड़ा पीछे छूट जाएगी। इसीलिए हम स्टेल्थ प्रोग्राम के हिसाब से अपना जो नया एयरक्राफ्ट है वो डेवलप करेंगे, जो कि सुपरसोनिक स्पीड और जो इसका डेटा सेंसर होते हैं वो सब उसमें नए होंगे। जो उसका एवियोनिक्स होगा वो भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा। और काफ़ी लंबे समय से फ्रांस जो है इस क्षेत्र में अकेले काम कर रहा था, यानी डिज़ाइन के क्षेत्र में अकेले काम कर रहा था, लेकिन अब फ्रांस को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि एफ कैश प्रोग्राम के लिए जो पार्टनरशिप है वो उसके लिए फ़ायदेमंद भी है और ज़रूरी भी है। इसीलिए फ्रांस स्पेन और जर्मनी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा है, और बहुत मुमकिन है कि जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये फ्रांस के साथ आएंगी और एक उन्नत जेट डेवलप करने में फ्रांस की मदद भी करेंगी। अब इसके डिज़ाइन को लेकर के जो कुछ एनालिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने बयान दर्ज करवाए हैं, अपने अपने लेख लिखे हैं। दरअसल ये जो एयरक्राफ्ट होगा इसकी डिज़ाइन बहुत हद तक F-35 या F-35B से अलग होने वाली है। दरअसल आपको पता होना चाहिए कि इस समय जो फ्रांस ही अकेला देश नहीं है जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, बल्कि इस समय जो ब्रिटेन है वो भी अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है, जिसको टेम्पेस्ट नाम दिया गया है। और इस समय जो रॉयल एयर फोर्स है और रॉयल नेवी है वो F-35A और F-35B को यूज़ करती हैं, और अभी तक उनका खुद का कोई 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनके तैयार नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दो प्रोजेक्ट हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ में चलाए जा रहे हैं, पहला टेम्पेस्ट हो गया और दूसरा फ्रांस का एफ कैश। अब एफ कैश को लेकर के कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं। इनमें 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के सारे फीचर्स होंगे, जो कि F-22 रैप्टर और F-35 को टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। और ऐसा इसके बारे में कहा जाता है कि ये एयरक्राफ्ट एक बबल कैनोपी के साथ आएगा, जो पायलट को
जो एक्सीलेंट विजिबिलिटी है वो प्रोवाइड करवाएगा। वहीं हाल ही में एक फ़ोटो रिवील हुई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि इसमें एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन का यूज़ किया जाएगा जो पायलट को सारी इन्फॉर्मेशन जहाज़ की और आसपास की उसको प्रोवाइड करवाएगा, जिससे पायलट की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं इसमें 3D मैपिंग का यूज़ किया जाएगा ताकि पायलट को अपनी जो पोजिशन है और जो एनिमी टारगेट्स हैं वो आराम से आइडेंटिफाई हो सकें। इसके अलावा इसके बारे में कहा गया है कि जो इसके इंजन के एयर इनटेक्स हैं वो F-35 स्टाइल के होंगे, यानी जैसे F-35 में यूज़ किए गए हैं वैसे ही एयर इनटेक्स जो F-CASH प्रोग्राम है उसमें यूज़ किए जा सकते हैं। और यही नहीं, काइल मिज़ोकामी जो कि एक फेमस एविएशन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में इसको लेकर के काफ़ी कुछ बड़ी चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जो F-CASH का डिज़ाइन होगा वो एक ब्लेंडेड बॉडी विंग फॉर्मेशन होगा जो कि इसके इंटीरियर वॉल्यूम को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, जिसके कारण जो F-CASH एयरक्राफ्ट है वो अपने साथ इंटरनल फ्यूल और वीपन्स को कैरी करने में सक्षम होगा और ये बड़ी मात्रा में होगा। दरअसल उन्होंने एक बात और बताई है, उन्होंने कहा है कि जो F-CASH होगा वो एक सिंगल सीट वेरियंट होगा और इसमें लो एंगल स्टेबलाइजर्स का यूज़ किया जाएगा जो कि ट्रेडिशनल सेपरेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेबलाइजर्स को रिप्लेस करेगा। यही नहीं, एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थी होने वाला है। उन्होंने आगे और भी कुछ बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने इसके बारे में ये प्रेडिक्ट किया है कि जो F-CASH एयरक्राफ्ट होगा उसके जो मॉड सेंसर्स होंगे वो किसी भी मौजूदा 5th generation एयरक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा मॉडर्न होने वाले हैं और वो अपने साथ लेज़र वीपन्स को और जो माइक्रोवेव वीपन्स हैं उनको भी कैरी करने में सक्षम होगा। इसके अलावा इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जाएगा जो कि वेरी लॉन्ग रेंज यानी बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज की होने वाली हैं। और उसके बाद जो इसमें और एक एबिलिटी ऐड की जाएगी वो ड्रोन्स को कंट्रोल करने की होगी। दरअसल ये एयरक्राफ्ट अपने साथ जो विंग मैन हैं उनको या जो छोटे छोटे रिमोटली ऑपरेटेड ड्रोन हैं उनको ऑपरेट कर सकेगा, कंट्रोल कर सकेगा, जिसका उपयोग ये एनिमी के एयर डिफेंस को तबाह करने के लिए या अलग अलग प्रकार से हमला करने के लिए यूज़ किया जा सकेगा। और इन ड्रोन्स को बनाने की जिम्मेदारी एयरबस ने MBDA को दे दी है। दरअसल एयरबस और MBDA ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत इस तरह के ड्रोन बनाए जाने हैं जो F-CASH प्रोग्राम की सहायता से लॉन्च किए जा सकें। वहीं इसको लेकर के और भी कुछ बड़ी रिपोर्ट सामने आई हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि F-CASH को लेकर के फ्रांस ने ये दावा किया है कि ये एयरक्राफ्ट हर मायने में अमेरिका के 6th generation फाइटर एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसमें पायलट इन ड्रोन्स का ही इस्तेमाल करके जो इसमें यूज़ किए जाएंगे एनिमी के जो टारगेट हैं उनको तबाह कर सकते हैं, जैसे उनका एयर डिफेंस हो गया, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको जैम किया जा सकता है। वहीं इसके जो लेजर वेपन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं और फ्रांस का जो राफेल जेट है वो इन्हीं एयरक्राफ्ट से अब रिप्लेस होगा, ऐसा उनका दावा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई फ्रांस टेम्पेस्ट और अमेरिका के 6th generation फाइटर प्रोग्राम से आगे निकल चुका है? क्या 2026 में जो एयरक्राफ्ट आएगा वो राफेल के लिए एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट होगी? और अगर ऐसा होता है तो निकट भविष्य में शायद भारत भी इस तरह के किसी प्रोग्राम को ज्वाइन करे या भारत भी इस पर काम करे। अब देखते हैं वक्त हमें क्या बताता है। तो फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।